राज्य सरकार संवेदनशील होकर कार्य कर रही है और समाज के सभी वर्गों को न्याय देने का प्रयास कर रही है। विद्युत उत्पादन संविदा कर्मियों की विभिन्न मांगों पर भी सकारात्मक निर्णय लिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री एवं ऊर्जा मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि जातिगत जोखिम उठाकर काम करने वाली बिजली उत्पादन ठेका श्रमिकों को मेडिक्लेम के तहत राज्य के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज देने की व्यवस्था की जाएगी। इस अवसर पर विधायक चंद्रशेखर बावन कोई, पूर्व विधायक सर्वश्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, सुधाकर कोहे, विद्युत उत्पादन ठेका श्रमिक संयुक्त कार्य समिति के अध्यक्ष चंद्रदास भालाधारे, संयोजक नचिकेत मोरी आदि उपस्थित थे। उप मुख्यमंत्री फडणवीस ने कहा कि संविदा कर्मियों द्वारा दिए गए निर्णय के प्रति आभार व्यक्त करने के लिए आज सम्मानित किए जाने पर मुझे बेहद खुशी हो रही है। राज्य सरकार ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा कार्यकर्ताओं, कोतवाल, संविदा कर्मियों आदि के पारिश्रमिक में वृद्धि की। संविदा कर्मियों को नियमित कर्मियों की तरह 19% वेतन वृद्धि देने का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मेडिक्लेम का निर्णय ले लिया गया है और बदलाव की मांग को पूरा किया जाएगा तथा राज्य के सर्वश्रेष्ठ निजी अस्पतालों में मुफ्त इलाज की व्यवस्था बनाई जाएगी। नियमित भर्ती में संविदा कर्मियों को 10 अंक देने का निर्णय, कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु बढ़ाने का निर्णय, संविदा कर्मियों के गेट पास पर ठेकेदार के नाम के गेट पास के स्थान पर महानिर्मित एवं महावितरण की मुहर लगाने का निर्णय लिया गया। ई श्रम पोर्टल के माध्यम से संविदा एवं असंगठित श्रमिकों का पंजीकरण किया गया है तथा 34 बोर्ड का गठन किया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि इन बोर्डों के माध्यम से सीधे उनके हित की योजनाएं उपलब्ध कराकर उन्हें सामाजिक स्थिरता देने का काम किया जा रहा है। संविदा कर्मियों के बैंक खातों में भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। हालांकि कुछ स्थानों पर ठेकेदारों द्वारा श्रमिकों के एटीएम कार्ड अपने पास रखने के मामले भी सामने आते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि ऐसे ठेकेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। विभिन्न सरकारी योजनाओं के माध्यम से राज्य की 1 करोड़ महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा। एसटी में महिलाओं को आधे टिकट मिले, इससे एसटी को नुकसान हुआ है और फायदा भी हुआ है। राज्य में लड़कियों के लिए उच्च शिक्षा निःशुल्क कर दी गई है। मुख्यमंत्री मेरी लाड़की बहन की योजना के माध्यम से 1,60,00,000 महिलाओं के बैंक खातों में वित्तीय लाभ दिया गया है। इस योजना के तहत अगले महीने तक 2.5 करोड़ महिलाओं को वित्तीय लाभ दिया जाएगा और यह योजना बंद नहीं की जाएगी। उन्होंने इस संबंध में लगाए गए आरोपों को भी निराधार बताते हुए कहा कि इस योजना के लिए किसी भी दलित फंड का दुरुपयोग नहीं किया गया है। इस अवसर पर विधायक चंद्रशेखर बावनकुड़े, वर्कर्स ज्वाइंट एक्शन कमेटी के अध्यक्ष चंद्रदास भालाधारे, संयोजक नचिकेत मोरे ने उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन किया। भूख हड़ताल पर बैठे बिजली उत्पादन संविदा कर्मी सतीश ताड़े को उप मुख्यमंत्री ने सम्मानित किया। अपने अनेक वर्षापासून ज्यांनी भारतीय जनता पार्टी करता पूर्ण जीवन दिला असे रमेशजी जैन, माननीय मित्तलजी, किशोरजी मुसळे, छायाताई ढोले, उज्ज्वलजी करडबाजने, आणि मला अभिमान आहे की माननीय देवेंद्रजी यांच्या नेतृत्वामध्ये आपल्या सर्व कामगार कृती समितीने नेतृत्व केलं आणि आज माननीय नचिकेतजी मोरे, चैनदासजी भालादरे, सतीशजी तायडे आणि मनोहर अवचारजी आणि सर्व कामगार संघटना यांचं मी मनापासून अभिनंदन करतो। कामगार संघटनांचं, कामगार एकजुटीचा, आणि सर्वांनी हा प्रश्न लावून धरला। खरं तर बंधू भगिनींनो, जेव्हा कामगार संघटना भारतीय जनता पार्टीचा अध्यक्ष म्हणून माझ्याकडे आल्यात आणि त्यांनी विनंती केली की माननीय देवेंद्रजीकडे एक बैठक लावावी आणि या बैठकीत आमचे प्रश्न सोडवावे, पण मला अभिमान आहे, मी माननीय देवेंद्रजींना विनंती केली फक्त, पण त्यांनी 3 दिवसाच्या आतमध्ये आपल्या कामगार संघटनेची बैठक लावून आपण या ठिकाणी सांगितल्याप्रमाणे त्यांनी न्याय दिला। देवेंद्रजी, मला आठवतं 2019 मध्ये जेव्हा आपलं सरकार गेलं, सरकार आपलं होतं तेव्हा आपण मुख्यमंत्री असताना मला सूचना दिली होती। देवेंद्रजी मुख्यमंत्री होते, मी ऊर्जा मंत्री होतो, त्यांनी सूचना दिली होती की कंत्राटी कामगाराचं भलं केलं पाहिजे, कारण त्यांच्या जीवनामध्ये, देवेंद्रजीच्या जीवनामध्ये कंत्राटी कामगाराचा एक मोठा रोल आहे।
मुख्यमंत्री म्हणून मला सूचना दिली 2019 मध्ये आपण काही निर्णय केले आणि देवेंद्रजी आपलं सरकार गेल्यावर नितीन राऊत ऊर्जा मंत्री झाले, सुनील केदारी ते मंत्री झाले. यांनी काय मागितलं होतं? नितीन राऊत आणि सुनील केदारना फक्त आमची एक बैठक लावा. पण बंधूंनो, अडीच वर्ष कितीतरी पेंडॉल टाकले न्यायाचं सोळात, पण अडीच वर्ष एकही बैठक लावली नाही आणि कंत्राटी कामगाराला खऱ्या अर्थाने धुडकावून लावण्याचं काम सुनील केदार आणि नितीन राऊतनी केलं. केलं की नाही केलं होतं? अरे भाई सांगा ना, केलं की नाही केलं? तुम्ही साक्षीदार आहे ना, मी आलो होतो ना. देवेंद्रजी कितीतरी पत्र अडीच वर्षात दिले. माईक कोणता चांगला हे बावनकुळे साहेबांना नीट माहिती असते. आजच्या कृतज्ञता सोहळ्यामध्ये मंचावर उपस्थित असलेले महाराष्ट्राचे भाजपचे अध्यक्ष आणि आपल्या सर्वांकरता वर्षानुवर्ष संघर्ष करणारे आणि ज्यावेळी वीज कामगाराला न्याय देण्याची वेळ आली त्यावेळी मंत्री म्हणून न्याय देणारे चंद्रशेखर बावनकुळेजी, जिल्ह्याचे अध्यक्ष सुधाकरराव कोहळेजी, ज्येष्ठ नेते डॉ राजूजी पोद्दार, अरविंदजी गजभिये, माजी आमदार मल्लिकार्जुन रेड्डीजी, मनोहरभाऊ कुंभारे, संजयजी टेकाडे, गज्जू यादवजी, किशोर चौधरीजी, रोहित मुसळेजी, मंदार मंगळेजी, चंद्रशेखर लांडेजी, आनंदरावजी राऊत, नितीनजी पुरी, राजेजी रंगारी, आशिषजी फुटाणे, आदरजी पटले, किशोरजी चौधरी, हिमेश्वरजी यावलकर, त्याचप्रमाणे या ठिकाणी उपस्थित बबलूजी राठोड, अर्चनाताई चौधरी, अशोकराव तांदूळकर, शालिनीताई चौरे, रामरावजी मोवाडे, विनोदजी बनसोडे, त्याचप्रमाणे प्रकाशजी टेकाळे, श्रीरामजी आवरे, श्री गजानन आसोले, रमेशजी जैन, किशोरजी मुसळे, छायाताई ढोले, उज्ज्वलजी करडभाजने, विशेषतः या ठिकाणी उपस्थित आमचे कामगार नेते ज्यांनी या आंदोलनामध्ये विशेष भूमिका या ठिकाणी अदा केली ते सन्माननीय नचिकेत मोरेजी, चैनदास भालादरेजी, यासोबत सतीश तायडेजी, मनोहर अवचार, रोशन गोस्वामी, हरीश चौरे, राहुल नागदिवे, भूपेंद्रजी, सर्वच या ठिकाणी उपस्थित मान्यवर आणि या कार्यक्रमामध्ये उपस्थित आमच्या सगळ्या लाडक्या बहिणी आणि तितक्याच लाडक्या भावांनो. कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ अभिषेक पांसी की रिपोर्ट.